हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जैसे कि मैंने बताया था, श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी आए हुए थे। सो आज उनका लास्ट डे था, श्रीमद् भागवत कथा का सेवेंथ डे लास्ट था, और मैं आज सेकेंड टाइम जा रही थी वहाँ पर। इससे पहले एक दिन पहले ही मैं विहान को हॉस्पिटल लेके गई थी। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा ज़रूर प्लीज़, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, और आगे वीडियो एंजॉय कीजिए। कुछ ही क्षण बाद कुंज महाराज श्री का पावन सानिध्य हम सभी को प्राप्त होगा, और आज की सुंदर कथा का वर्णन कुंज महाराज श्री के मुखारविंद से हम श्रवण करेंगे। विगत छह दिनों से नंदलाल ज्वाला मैया की जय, कालू बाबा की, गराम बाबा की, पूज संत दरियाव सिंधी महाराज की। आज की पूजन आरती के लिए मैं परम संत दरियाव सिंधी महाराज, जो ज्वाला मुखी माता के महंत हैं, देव सिंह जी निस्ते, नानक सिंह जी निस्ते, कुशाल सिंह जी, अंदर जी निस्ते जी, मोतीलाल केशरोज जी, जोधराज जी, दराव सिंह जी महाराज के पुजारी हैं, दारू नायक जी, गुलाब सिंह जी, माधव पांडा, दीपेंद्र
दर्श गुम शांति पृथ्वी शांति राभा शांति रोखर्य शांति ही वनस्पतया शांति ऋषभे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांति देव शांति सामा शांति रेधि अथ मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगन्मय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागम महिमानः धनम यश राधा मंत्र राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यश राधा 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 वाच किं तस्य शेषम श्री राधा मेरी स्वामिनी मे राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहिनी जियो श्री चरणन को वास वर्षाणि की राधिका नंदगाम केशवम इनके चरणन में करू मैं कोटि कोटि प्रणाम कृष्णम नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियम कृष्णम द्वैपायन। वो सभी ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाए, ट्विटर पे अकाउंट बनाकर सनातनी लिखें, हमें फॉलो करें और सनातन मार्ग को आगे बढ़ाने में हमारा सपोर्ट करें। आज ये मोबाइल बहुत बड़ी शक्ति है, हम सब एक साथ जुड़ सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ आलसी बनकर कथा सुनकर मत भूल जाना। आप आज एक सनातनी अर्जुन बनिए और आप सनातन से कदम मिलाकर आगे बढ़िए, जिससे जब भी अगली बार हम यहां आए तेलंगाना में, इतने लोग नहीं होने चाहिए, इसका चार गुना ज्यादा लोग होना चाहिए, चार गुना। आज इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग आए, देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही, और अगली बार जब आप आए तो इससे भी बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचेंगे। महाराज को धन्यवाद देने का मेरे पास कोई शब्द नहीं है, व्यास जी को धन्यवाद देना भी नहीं चाहिए, बस हम तो यहाँ व्यासपीठ पे बैठे हैं, सभी को एक ही आशीर्वाद देंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। भगवान आप सबके मनोरथों को सिद्ध करे। और फिर जो रह गया है भागवत कल्प वृक्ष है, पूरा सुनाना असमर्थ है, लेकिन जो शेष रह गया वो अगली बार सुनाएंगे। अभी आप लोग जो मैंने कहा है वृंदावन से जुड़ो, जब फेसबुक पेज को हम कह रहे हैं ना लाइक करो, क्यों कह रहे हैं, नित्य प्रिया कांजू की आरती होती है वृंदावन में, नित्य शाम को फेसबुक पे वो आती है, उस आरती का दर्शन करो, प्रिया कांजू से नित्य जुड़ पाओगे, नित्य दर्शन कर पाओगे, और नित्य सोशल साइट्स के माध्यम से ही सही पर भगवान को नित्य प्रणाम कर पाओगे, और ये भी कम भाग्य नहीं होगा हमारा। तो सभी आप लोग एक साथ रहें, सभी सनातनी एक स्वर में रहें और चकाचक अपने समाज को आगे बढ़ाते रहें, यही प्रार्थना करते हुए आप सबका भगवान मंगल करे, कल्याण करे। मेरा निवेदन है इधर कोई ना आए, मिलने के लिए कोई ना आए कथा के बाद, क्योंकि दीक्षा का जो काम है वो जल्दी करके हमको जल्दी निकलना है, तो अब मिलना किसी से हो नहीं पाएगा, इसलिए हाथ जोड़ के आरती के बाद कथा के बाद सीधे अपने घर को या प्रसाद लेने के लिए जाएं, और जो सिर्फ दीक्षा वाले हैं वो इस तरफ रह जाएंगे, बाकी के आइए आरती की तरफ बढ़ जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आपने संपूर्ण भागवत श्रवण की, लेकिन संपूर्ण इसके पश्चात आपको दीक्षा प्राप्त नहीं हो पाएगी, अगर पूज्य महाराज श्री जब तक रहेंगे तब तक दीक्षा आपको प्राप्त हो जाएगी, इसके पश्चात पूज्य महाराज श्री को आशीर्वाद प्राप्त करने। अभी चलते हैं संपूर्ण आरती के लिए, तो सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकाल लें, क्योंकि सभी के पास आरती संभव नहीं हो सकती है, तो सभी लोग अपना मोबाइल निकालने के बाद फ्लैश चला लें, फ्लैश चलाने के बाद सभी लोग आरती करेंगे, तो सभी लोग खड़े होकर के भागवत भगवान की संपूर्ण आरती आप लोग करेंगे, इस प्रकार चला करके ऐसे सभी लोग जितने भी लोग हैं सबके पास मोबाइल है, सभी लोग निकाल करके भागवत भगवान की संपूर्ण आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष प्राण समुखा अग्नि राजायत। अमर ग्रंथ ये मोती
जी महाराज की, प्रिया गंजू भगवान की, ज्वाला मैया की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने पूजन कर लिया है, पूजन करने के पश्चात शर्मा का ढाबा ढाबा डिनर करने के लिए, खाने के लिए पहले रेडी होते हैं सब लोग। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शर्मा जी का ढाबा, जो कि कुदरतनूर के पास है, और ये प्योर वेज है, पूरा वेज रेस्टोरेंट है प्योर। यहाँ पर एग भी नहीं मिलेगा और आइसक्रीम्स भी नहीं थी। यहाँ पर ठंडी के सीज़न में जाओगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको, क्योंकि हर जगह बॉनफायर लगा हुआ रहता है। यहाँ पर हमने ऑर्डर दे के हम लोग बैठे थे अपना लेने के लिए, और यहाँ पर मेरा भाई मम्मी को मना रहा है क्योंकि उसने कार बहुत स्पीड से चलाई है, मम्मी चिल्ला रही थी उसके ऊपर, और यहाँ पर विहान सता रहा था कि उसको आइसक्रीम चाहिए थी एज यूजुअल, और इन्होंने आइसक्रीम नहीं रखी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लिटिल वर्ल्ड व्लॉग। सो अभी हम आए हैं डिनर करने के लिए ढाबा में, शर्मा जी का ढाबा, जो कि कुड़ियातूर के पास है। शर्मा जी का ढाबा काफी फेमस है। यहाँ पर विहान को उसे पापा समझाते हुए, बहलाते हुए, फुसलाते हुए, फिर भी वो मान गया, लास्ट में आइसक्रीम नहीं मिली। और यहाँ पर हाइजीन भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर प्लेट्स नहीं है, डिस्पोजल प्लेट से खा के फेंको, सो इट्स बेटर कि ढाबा पे हाइजीन नहीं रहता है बोलते। तो ये काफ़ी अच्छा था और खाना भी बहुत टेस्टी था। अब एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप लोग हाईवे से जा रहे हो तो एक बार, बेस्ट रेस्टोरेंट है। और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था दाल तड़का, कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी, नहीं बटर नान थी, सॉरी बटर नान, बहुत ही टेस्टी बटर नान थी, कैरेट और सब वेजिटेबल्स के साथ। और फिर उसके बाद हम लोग मिले श्री देवी नंदन ठाकुर जी से, क्योंकि वो जा रहे थे, उनसे लास्ट टाइम मुलाकात की हमने, फ़ोटोज़ के लिए, और ऐसा रहा हमारा दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।